पुलिस के जुल्म से सताई खावतीन की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर खुदकुशी की कोशिश, मकान पर कब्जे की दरख्वास्त लेकर आई खातून की चीफ जस्टिस से मिलने की दुहाई। पुलिस से अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर नशावर गोलियां खाकर बेहोश। बहावलपुर में पुलिस रवैये से सताई खातून ने एहतजाजन अपनी कलाई काट ली। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर्स के बड़े पैमाने पर तकरर और तबादले, एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट एजाज शाह 85 इंस्पेक्टर्स के तबादले लिए कर दिए। मोहम्मद हफीज को ट्रेनिंग हेडक्वार्टर लाहौर लगा दिया गया। इरशाद अहमद का तबादला स्पेशल ब्रांच कर दिया गया। मोहम्मद असगर अली सिटीडी लाहौर तैनात। सरकारी अहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए कितनी जायदाद बनाई, ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल भी नैब के रेडार पर आ गए। असासों की छानबीन शुरू, एलडीए से जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। पहले मजम्मती करारदाद, फिर इजलास और अब बाकायदा एहतजाज। एलडीए अफसरान का अथॉरिटी दफ्तर जौहर टाउन में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का डेपुटेशन अफसरान को वापस मुतल्लिका महकमों में भिजवाने का मुतालिबा। इडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन का एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम इमरान खान के अहकामात पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। इडन हाउसिंग स्कीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। एडीसी हेडक्वार्टर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का पहला इजलास। कमेटी के मेंबरान को प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 पर ब्रीफिंग दी गई। जायद मुनाफा लेने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। पीटीआई को इक्तदार में लाने में मसीही बरादरी का मिसाली किरदार है। अकलियतों के लिए 5% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, लोगों को इंसाफ मिलेगा, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा होगा। गवर्नर पंजाब को मसीही बरादरी के एजाज में क्रिसमस तकरीब से खिताब। एमएनए शनेरा रुतकर साथ मिलकर केक भी काटा।